नमस्कार, मैं हूँ एकता। प्राइम न्यूज 24 में स्वागत है आपका। खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी ने रिश्ते के फूफा पर 6 साल से ब्लैकमेल कर रेप करने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सॉफ्ट बॉल महिला खिलाड़ी ने अपने ही रिश्ते के फूफा पर 6 साल से ब्लैकमेल कर रेप करने का आरोप लगाया है। महिला खिलाड़ी ने बताया कि 6 साल पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वह इनके संपर्क में आई थी। जब वह बर्थ सर्टिफिकेट देने के लिए गई तो इन लोगों के द्वारा गन प्वाइंट पर लेकर जबरदस्ती मोलेस्ट किया और फोटो भी लिए। तभी से यह लोग 6 साल से ब्लैकमेल कर लगातार यौन शोषण कर रहे हैं। विरोध करने पर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हैं। अब इन लोगों ने मेरी फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि इन 6 सालों के दौरान जिन परिस्थितियों में से मैं गुजरी हूँ, इन्हें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। वहीं क्षेत्राधिकारी ने बताया कि प्रथम सूचना के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है। सभी तथ्यों की जांच की जाएगी, इसके बाद विधिक कार्यवाही की जाएगी। अभी इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पहले उसका 164 में बयान होगा, उसके बाद जांच में जो तथ्य सामने आएंगे कार्यवाही की जाएगी। महिला खिलाड़ी ने बताया कि 4-5 साल से वो एक दूसरे से परिचित हैं। शादी का झांसा देकर उसके साथ घटना किया गया है। सभी तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक महिला भी है जो परिवार से ही है, जिसका उसने बता दिया इसमें उन घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। क्या हुआ? मैं एक नेशनल लेवल प्लेयर हूँ। मैंने सॉफ्ट बॉल में ऑल इंडिया लेवल खेला हुआ है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। जो रिश्ते में मेरे फूफा लगते हैं, उन्होंने मेरे साथ रेप किया। 6 साल पहले उन्होंने मेरे साथ रेप किया और उस दिन से आज तक वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरे अश्लील फ़ोटो लिए उसने और मेरे फ़ोटो लेके मुझे ब्लैकमेल करता रहा। कभी मुझे होटल में बुलाया उसने, कभी अपने घर पे बुलाया जब कोई नहीं था। इसीलिए मैं परेशान होकर यहाँ से दिल्ली भी चली गई, सब कुछ छोड़ के, पर उसने मुझे वहाँ भी परेशान किया। वहाँ पे उस सब में इसकी भाभी भी इन्वॉल्व है, उसके भाई। मैंने उन सबको भी बताया पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर मैंने अपने घर वालों को बताना चाहा, लेकिन उसने मुझे फिर टॉर्चर किया कि अगर तूने बताया तो तेरे फोटो वायरल करेंगे और हर जगह फैला देंगे। अच्छा, 6 साल से आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है, क्यों आपने आवाज नहीं उठाई? आप उसने मेरे फोटो लिए हुए थे और उन फोटो को दिखा के वो बोल रहा है कि मैं ब्लैकमेल करूंगा, हर जगह दिखाऊंगा। और फिर उसने मेरे भाई को मारने की भी धमकी दी है। मैंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उनसे अपना बात की कि मुझे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, मेरे स्पोर्ट्स में ज़रूरत थी। तो जब मैंने बनवाने के लिए दिया, उन्होंने बोल दिया ठीक है बनवाएंगे। उन्होंने मेरे कागजात भी लिए, डॉक्यूमेंट्स लिए जितने थे, कह रहे हैं कि इसमें लगेंगे। उसके बाद मैं अपना जब लेने के लिए गई अपना बर्थ सर्टिफिकेट, तो मुझे गन दिखा के ज़बरदस्ती मोलिश किया और मेरे फोटो लिए उस दिन। से आज तक ये सब होता आ रहा है। कौन कौन इन्वॉल्व है इस मामले में? इंतजार प्रधान, जो इंतजार त्यागी है, उसका भाई रिजवान त्यागी और जकी, और उसकी भाभी तराना। अच्छा, आपका रिश्ता भी हुआ था कहीं पे? मेरा नावले में रिश्ता हुआ था, वहाँ भी उसने फोन वोन किए, फोटो वोटो दिखाए और मैं रिश्ता तोड़वा दिया। किस तरह के फोटो आपके? उसने मैंने काफी अश्लील फोटो भी लिए हुए, कुछ अलग भी फोटो लिए हैं जो दिखा रहा है वो। और उसने अभी भी सब जगह फोटो मेरे फैला दिया, मुझे बाहर निकलना मेरा मुश्किल कर दिया। क्या चाहती हैं आप, किस तरह की कार्रवाई होगी? बस जितना मुझे उसने बदनाम किया है वो भी बदनाम हो जाए, उसको भी मुझे जेल तक लेके ही जाना है। किस तरह की सजा चाहते हैं? जिस तरह योगी जी ने कहा है कि भाई जो इज्जत खराब करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, तो आप क्या कितना विश्वास करती हैं? बस मुझे उसे जेल पहुंचाना है और जितनी परेशानी उसने मुझे दी है 6 साल से अब तक, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कहीं ना कहीं आपका कैरियर भी बर्बाद? मेरा कैरियर उसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, क्योंकि
मैं अपने घर वालों के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ, बाहर वालों के सामने भी। मैं 5-6 साल से ऐसे सहती आ रही हूँ, मेरा फ्यूचर उसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। सर, महिला खिलाड़ी ने थाना सिविल लाइन में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें रेप से रिलेटेड धाराएं भी लगाई गई हैं। उसमें 4 व्यक्तियों के खिलाफ, जिनमें एक महिला को भी जो है अभियुक्त बनाया गया है और उनका सहयोग बताया गया, इस तरीके का एक आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमे से संबंधित जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और विधिक परीक्षण के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उसमें नाम आया है और ये भी उसमें आया है कि जो पीड़िता है वो पहले से आपस में रिलेशन में है, ये दोनों परिवार जो है दूर के रिलेशन में है और रिलेशन के साथ साथ पहले से करीब 10 वर्षों से एक दूसरे को जानते थे और पिछले 4-5 वर्षों से उन लोगों का आपस में जानकारी है, संबंध है, मिलना जुलना है। इसी दौरान इस तरह की घटना बताई गई है और सारे प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षण के बाद ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। पिछले 6 साल से वो जैसे मैंने बताया ना कि पिछले 5-6 साल से एक दूसरे से मिलना जुलना है, पारिवारिक संबंध हैं और आपस में रिलेशन भी हैं। ऐसी परिस्थितियों में सारे तथ्यों की जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी सही होगा वो विधिक कार्रवाई की जाएगी।